हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर नंबर सिक्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता हूँ तो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट द वीडियो ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल शोन इन दिस पिक्चर मेजर तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि जो ये पिक्चर्स दिया है नीचे इसको किस मेजरमेंट में कौन से यूनिट में हम मेजरमेंट करते हैं तो दोस्तों यहां पे क्या है ब्रिंजल बैगन दिया है तो बैगन हम कौन से यूनिट में खरीदते हैं ठीक है दिखे? तो केजिस में किसमें आता है केजी ये थ्रेट है धागा है ये किस में हम लोग मेजर करते हैं इसको लेंथ इसकी क्या होती है लेंथ में करते हैं ना तो मीटर में हम नापते हैं ये क्या है स्पिनेच पालक है तो पालक किस में लेते हैं बंडल्स में ये क्या है ग्लास ऑफ मिल्क ओके तो ये एक ग्लास जो मिल्क है मिल्क हम किस में लेते हैं लीटर्स में एंड ये रिंग गोल्ड है ना मटेरियल है कि नहीं तो इसको हम ग्राम्स में लेते हैं एंड क्लोथ क्लोथ इन ऑल्सो इन मीटर सो बहुत ईजी रहिए क्योंकि हमें पता करना है कि हम मेजर जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको किस में मेजर करते हैं ये इसको हमको इसमें स्टडी करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड मेजरमेंट मेजरमेंट क्या किसी भी आर्टिकल करना? करना, उसका वजन करना ठीक है मतलब, मतलब होता है मात्रक मीन यूनिट जैसे कि फिजिकल में जो हम एक्चुअली में कोई चीज ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकली क्वांटिटी जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कोई भी चीज होता है जिसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट होता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी ओके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ नुमरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट कोई भी ऐसी चीज जिसका नुम्रिकल वैल्यू हो और उसका क्या हो यूनिट हो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी सो फिजिकल क्वांटिटी इन अ डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज द वेट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फूड ग्रेन्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सम लिक्विड वैल्यू वैल्यूल वैल्यू ऑफ क्या लिक्विड्स डेंसिटी ऑफ वेरियस सबस्टेंसेज द स्पीड ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा है ना ये सारे चीज क्या है फ्रूट्स वेजिटेबल का कोई भी फ्रूट्स हम कैसे लेते हैं केजिस में लेते हैं वेजिटेबल कैसे लेते हैं फूड्स ग्रेन्स कैसे लेते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी ये सब क्या लेते हैं हम हम लोग किसी ने किसी यूनिट में हम लेते हैं क्वांटिटीज सच एस मास वेट डिस्टेंस स्पीड टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्वांटिटी क्या है जैसे मास हो ओके okay? तो आपको मैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा मैं बताता हूं जैसे कि इसका फिजिकल क्वांटिटी मात्र जो होता है बेसिकली सेवन फंडामेंटल्स यूनिट है ठीक है फिजिकल में ठीक है जैसे कि फर्स्ट है लेंथ मीटर लंबाई होती है ना उसको हम मीटर में नापते हैं लंबाई को ओके एंड नाउ मास मास जो होता है उसको किसमें नापते हैं किलोग्राम्स में टाइम टाइम को किस में सेकेंड टेम्परेचर टेम्परेचर को किस में नापते हैं कैलवीन में ओके तो ये जो और ये इलेक्ट्रिसिटी इसको एम्पियर में करते हैं ठीक है कैंडुला बोलते हैं ना कैंडला उसको सीडी में कैंडला में नापते हैं ठीक है एंड मोलिक्यूल्स को मोल में नापते हैं ठीक है ठीके? तो ये सात बेसिक फंडामेंटल ये आपको खाली ध्यान में रखना ठीक है नेक्स्ट देखते दोस्तों अ वैल्यू एंड यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस द ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू और जो यूनिट होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने में ठीक है फ्रेंड्स जैसे कि एग्जांपल, सोराली वॉक टू किलोमीटर एवरी डे जो सोराली है दो किलोमीटर का करती है रोज चलती है तो फ्रेंड्स यहां अ वैल्यू एंड किलोमीटर इज यूनिट टू एक्सप्रेस द द ऑफ डिस्टेंस विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी तो जो किलोमीटर वो क्या है वो यूनिट है और टू हमारा क्या वैल्यू है तो ये जो डिस्टेंस हमें बताता है इसी कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी ओके फ्रेंड्स अब कुछ बेसिक जान लेते हैं यहां पर जहां पे दिया है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी ओके फ्रेंड्स अब देखिए आप क्या होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हम इसको समझते हैं स्केलर क्वांटिटी पहले अ क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी फ्रेंड्स स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वो चीज वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर, परिमाण होता है दिशा नहीं होती याद रखना सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस उसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी ठीक है जैसे एग्जाम्पल में आ सकता है मास ओके, स्पीड ओके वॉल्यूम वर्क टाइम एनर्जी ये सब क्या है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है एग्जाम्पल में देखिए ओनली मैग्नीट्यूड है ना दैट इज अ वैल्यू विथ यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी सच एस लेंथ ब्रेथ

कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिया है दिशा आपको नहीं दिखा है इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्या है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी ओके होता क्या है ये समझते हैं द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन इज कॉल अ वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों वो क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज हो क्या हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर बोथ इन द वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी दोनों चीज होता है दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि एग्जांपल है यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होता है ओ, और वेलोसिटी क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है फॉर एग्जांपल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ है ना क्या है ट्वेंटी किलोमीटर है मैग्नीट्यूड है बट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन भी दिया है है ना तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे वैक्टर क्वांटिटी जैसे कि द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर टुवर्ड्स मुंबई देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है एरोप्लेन है फ्लाइंग करे बट इसकी वेलोसिटी क्या है 500 किलोमीटर है यहां पे मैग्नीट्यूड है बट साथ में डायरेक्शन में टुवर्ड्स मुंबई डायरेक्शन भी आपको इंडिकेट करके दिखा रहा है ओके okay, फ्रेंड्स मास मांस मींस द्रोमान हिंदी में द्रोमान कहते हैं मास क्या होता है द अमाउंट ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मास जो मैटर्स प्रेजेंट होता है सब्सटेंस में इसको क्या कहते है? हैं मास कहते हैं मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट मैटर क्या होता है जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको रेसिस्ट करने की इज कॉल्ड मास विच इज कॉल्ड इनर्शिया इनर्शिया होता है ठीक है मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्शिया होगा मास इज द स्केलर क्वांटिटी मास कौन सी क्वांटिटी है मास स्केलर क्वांटिटी होती है इनमें सिर्फ मैग्नेट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है ड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड फ्रेंड्स क्या होता है मास जो होता है वो कहीं पर भी एनीस वर्ल्ड में कहीं पर भी लेके जाओ मास को वो चेंज होता नहीं है जो मास रहेगा वही मास उतना रहेगा ठीक है क्वांटिटीज मास वेट आर हाउ एवर डिफरेंट बट दोस्तों जो मास और वेट है वो दोनों अलग चीज होता है ठीक है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर द यूज ऑफ मास है ना यूनिट होता है इसका मास जो ग्राम है और किलोग्राम है उसको मास की क्या है ये मास की यूनिट होती है ठीक है वेन वी यूज टू पेन कॉमन बैलेंस इन शॉप कंपेयर टू masses. दोस्तों क्या होता है? कभी हम दो जो दुकान में जाते हैं, दो जो पेन होता है कंपेयर करते कौन सी पेन अच्छी है अगर दोनों वेट में है ना दोनों क्या हो? वेट में इक्वल हो दोनों सेम हो तो उसको हम किसे कंपेयर करें मास से कंपेयर करें ठीक है वेट वेट मींस वजन वट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास दोस्तों जो भी हम मेजर करते हैं ग्राम्स में किलोग्राम्स में वो क्या है मास है एंड नॉट वेट वो वेट नहीं होता है ठीक है हम बोलते हैं ना एक किलो आ, आ, पोटेटो दो या एक किलो प्याज दो ठीक है तो वो सब क्या है टोमेटो एक किलो दो तो ये सब क्या है ये हमारा मास है हम बोलते है, एक किलो वेट एक किलो वेट वेट वो नहीं होता है वेट नहीं होता वो मास होता है ठीक है जब कभी किसी चीज पर मास पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है काम करता है तब जाके उसको कहते हैं मास आ, वेट कहते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि हमारा जो ए, वेट है हम वेट अपने बोलते हैं ना हम कितने के हम बोलते हैं हम, हमारा वेट कितना है फिफ्टी फाइव में भी जिसका जैसा हो ठीक है लेकिन क्या वो हमारा वेट होता है क्या नहीं जब हमारा हमारे मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उस पर फोर्स लगता है का तब जाके उसे कहते हैं वेट ओके द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट देखिए जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तब जाके उसको मास को क्या कहते है? हैं वेट कहते हैं ओके द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट सेंटर इज कॉल्ड द द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट मास हो कोई भी मास हो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ के आए सेंटर की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ खींच के आए तब उस पर उसको कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तब उसको वेट कहते हैं ठीक है देरफोर वेट इज अ वैक्टर क्वांटिटी इसीलिए दोस्तों वेट को क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है ना खींच के नीचे आ रहा है ना डायरेक्शन भी है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ और दोस्तों वेट हमेशा अलग अलग हो सकता है आ, अर्थ के के आ, अलग अलग जगहों पे ठीक है जैसे कि हमारा वेट हम अगर अर्थ पे रहते हैं तो हमारा वेट एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ सिक्सटी के जी कितना है सिक्सटी के जी साठ किलो है लेकिन जब हम जाएंगे मून पे तो हमारा मून पे क्या होगा हमारा वेट कम हो जाता है ठीक है कितना कम होता है वन अपॉन सिक्स ठीक है तो लेट सपोज कि आपका वेट सिक्सटी है तो सिक्सटी के जी अपॉन सिक्स तो हमारा वहां पे मून पे कितना वेट हो जाएगा टेन के जी राइट टेन के हमारा मून पे हो जाएगा ओके फ्रेंड्स यूज योर ब्रेन पावर क्वेश्चन वन Why would the weight of an object be maximum एट द पोल एंड मिनिम एट द इक्टर फ्रेंड्स यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों जो होता है मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, पर तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा होता है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी की तुलना में पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूर होता है ठीक है जो हमारा भूमध्य इक्वेटर जो होता है क्या होता है हमारे जो अर्थ से बहुत दूर होता है ठीक है अर्थ से क्या होता है सेंटर से बहुत दूर होता है जिसकी वजह से उसका वेट बहुत कम होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन कम कहां होता है मैक्सिमम होता है कहां पे पोल्स पे पोल्स जो है वो सेंटर से क्या है ग्रेविटेशन के से सबसे थोड़ा नज़दीक होते हैं कंपेयर टू द इक्वेटर इसीलिए क्या होता है मैक्सिमम होते हैं पोल्स पे और मिनिमम होते हैं इक्वेटर पे क्वेश्चन नंबर टू व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई अल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है क्योंकि इफ द हाइट इंक्रीज अगर हाइट इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ डिक्रीज ओके और रिजल्टिंग टू लॉस ऑफ वेट एट सम हाइट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सी लेवल फ्रेंड सिंपल बहुत सिंपल है क्या होता है अगर आपकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी ऊंची होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? अर्थ कम होगा जिसके वजह से आपका क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा वेट आपका कम होगा है ना? विल इट बी पॉसिबल टू यूज वन एंड द सेम unit टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी सच as मास वेट डिस्टेंस velocity, temperature? क्या दोस्तों आप बता सकते हो कि कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए एक ही यूनिट का इस्तेमाल होता है क्या नहीं है ना टेम्परेचर मास सब सबका क्या है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेजरमेंट के यूनिट है ओके इन एवरीडे अफेयर्स प्रतिदिन वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हम रोजमर्रा में जिंदगी में अलग अलग, अलग चीजों को हम क्या करते मेजर करते हैं ठीक है एज दिस फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और स्पेसिफिक यूनिट यूज टू मेजर इच क्वांटिटी और हम रोज़ अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मेजरमेंट में उसको क्या करते हैं नापते हैं उसका वजन करते हैं देयर फोर डिफरेंट यूनिट्स आर यूज वाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटी इसलिए अलग, अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा मात्रक जैसे कि कहते हैं के जी मीटर लीटर ओके ये सब क्या है ये है क्वांटिटीज होते हैं मेजरिंग के क्वांटिटीज होते हैं ओके फ्रेंड्स पे आपको कुछ दिया है डू यू नो क्या आप जानते हो आवर बॉडी हैज वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हमारा जो बॉडी है उसमें वेट है, है ना वेट क्यों ऐसा वेट है क्योंकि जब हमारे हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है हमारे मास पे ओके okay? जब ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है तब उसको क्या कहते हैं वेट कहते हैं इसलिए हमारा वजन होता है ओके फ्रेंड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बींग लेस आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेसर देयर है ना अभी अब आपको मैंने बताया दोस्तों कि हमारा जो वेट है जब मून पे जाते हैं तो वो क्या होता है लेस हो जाता है कम हो जाता है हो होता था ना ओके अवर मास हाउ एवर इज द सेम एट द बोथ द प्लेस लेकिन जो मास होता है मास तो दोनों जगह सेम होगा मास कभी भी चेंज होता नहीं है मास अर्थ पे जितना है उतना ही मून पे होगा लेकिन लेकिन वेट है वेट क्या होता है चेंज होता है क्योंकि क्यों चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बदौलत ठीक है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं लगता है ठीक है स्टैंड मेजरमेंट तो दोस्तों अब हम सीखेंगे स्टैंडर्डाइज जो स्टैंडर्डाइज मेजर क्या होता है उसको समझेंगे मतलब बोलते हैं मूल मेजरमेंट कहीं पे भी जाओ आप यही यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पे कुछ दोस्तों देखिए वन टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर फोर हैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग एंड करी देर मीन कोई धागा लो आप उसको अपने हाथ से ऐसे नापो ठीक है अपने हाथ से नाप करके क्या करो काटो ठीक है और फिर ऐसे ही अपने दूसरे मित्र को भी अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी बोलो करने के लिए फिर उसको नापो आप क्या वो सब एक जैसा ही लेंथ होगा क्या यस नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि आपका हाथ और उसका हाथ छोटा बड़ा हो सकता है आपका हाथ बड़ा होगा कोई छोटा बच्चा होगा उससे बोलेंगे करने के लिए तो उसका हाथ छोटा हो सकता है, है ना तो इससे क्या हो गया हमारा जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड नहीं है एक मूल नहीं है कि हम कहीं पे भी जाए यही सबको मिले है ना जैसे कि एग्जांपल में मुझे अगर जमीन का बंटवारा करना है ठीक है तो मैं जमीन का बंटवारा करना है तो मैं अपने हाथ से अगर नापू तो ऑब्वियसली मेरा हाथ बड़ा होगा तो मैं मुझे ज्यादा जमीन मिल जाएगा लेकिन वहीं पर मेरा जो सामने वाला ओपोनेंट होगा वो अपने हाथ से नापेगा क्या पता उसका हाथ छोटा हो तो उसको क्या मिलेगा छोटा मिल जाएगा तो इस तरह तो क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगा ना इसीलिए हम स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे और ये सीखेंगे क्या होता है ओके फ्रेंड्स चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउ मेजर द नाउ मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ द स्पैन ऑफ योर हैंड फिर से अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करके हाथ का इस्तेमाल करके अपने बेंच का मापो आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम और अपने मित्र को भी कहो कि सेम ही नापे ठीक है डिड ईच ऑफ योर ऑप्टेन द सेम मेजर फॉर दैट बेंच तो क्या दोनों जान को जो मेजरमेंट मिला वो क्या सेम होगा क्या नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारा जो हैंड है और सामने वाला का जो हाथ है वो छोटा बड़ा हो सकता है इट्स डिफर्ड कर सकता है ना छोटा बड़ा हो सकता है ना इसीलिए स्टैंडर्डाइज मेजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स इसलिए स्टैंडर्डाइज होता है स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट और इसी को क्या कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स वी हैव टू मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज अक्यूरेटली हमें अपने प्रतिदिन जीवन में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली शुद्धता से बहुत अच्छी तरह से नापना पड़ता है कि थोड़ा ज्यादा ना आ जाए थोड़ा कम ना है अभी जैसे कि वेजिटेबल वेंडर होता है जो भाजी वाला होता है उसको प्रॉपर नापना होता है वन के बोला तो वन के ऊपर एक मिर्ची भी ऊपर जाना नहीं चाहिए ठीक है तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा उसको लॉस नहीं होगा ओके टू तो मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट और किसी चीज को मापने के लिए वजन करने के लिए हमें स्पेसिफिक यूनिट दिया होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मीटर को एम डिनोट करते हैं एम से मीटर होता है इज ए स्पेसिफिक यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ तो मीटर होता है वो लेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमें कोई कपड़े लेना है या कोई धागा लेना है वायर लेना है तो हम किसमें नाप के देते हैं मीटर्स में देते हैं ठीक है अ सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड फॉर वन पॉइंट जीरो मीटर है ना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिया गया है कि इतना मीटर इतना होगा ठीक है वाई इज देयर इज नीड फॉर सच स्टैंडर्ड यूनिट

टू बी डिफरेंट है ना लेकिन दोस्तों अगर यही कोई अलग अलग व्यक्ति नापेगा तो कपड़े की जो मेजरमेंट वो क्या होगी वो बहुत बड़ी छोटी हो सकती है दैट इज वाई हैंड स्पैन कैनॉट बी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इसलिए जो हैंड स्पैन होता है हाथ होता है जो वो क्या होता है स्टैंडर्डाइज यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है मेजर के लिए ठीक है